हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर। तो बेटा, अभी हम लोग अपना अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसको स्टार्ट कर चुके हैं और आज की क्लास में भी हम लोग उसी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है बेटा, और आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक हम लोगों को करना है और बहुत अच्छे से उसको सीखना है, जिसका नाम है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है और उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, आज की क्लास में हम लोग ये सारी चीजें सीखेंगे। तो बेटा टाइम खराब ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से। तो देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कंपलसरी एक्सपेंसेस, यानी वो खर्चे जो एक फर्म को पे करने ही पड़ेंगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, उसको हम कहते हैं बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब हम 11th में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसके डेबिट साइड में जो भी हम चीजें दिखाते थे बेटा, वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप में तो हमें सेम ट्रीटमेंट करना पड़ता है। देखिए, हम अकाउंट्स बनाने के लिए सबसे पहले पार्टनरशिप में भी जर्नल एंट्रीज करेंगे, उसके बाद हम लोग लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो सारे खर्चे पार्टनरशिप में भी होते हैं बेटा, जो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाया था, और जो डेबिट साइड के हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही कहलाते हैं, क्योंकि वो हमें खर्चे देने ही पड़ते हैं चाहे हमारी फर्म को प्रॉफिट हो या फिर ना हो। तो पार्टनरशिप में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखिए, पार्टनरशिप में बेसिकली पार्टनर से रिलेटेड दो चीजें हैं जिनको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, बाकी जितने भी है बेटा वो सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। वो सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो बाकी सारी चीजें तब देते हैं, बट दो चीजें पार्टनर से रिलेटेड है जिनको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो हमें पे करना ही पड़ता है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो। तो उसमें कौन सा आता है बेटा? सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और दूसरा आता है बेटा पार्टनर्स रेंट, यानी पार्टनर से रिलेटेड ये जो दो चीजें हैं ये दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं। मींस आपको इनको ये सब पे करना ही पड़ेगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना। और इनको हम लोग कहां दिखाते हैं बेटा? इनको हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। ठीक है, तो ये वो खर्चे हैं जो फर्म को पे करने ही करने हैं, बट रिलेटेड किससे हैं? पार्टनर से रिलेटेड है। ठीक है, और इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखाएंगे चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर ना हो। तो ये होता है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कैलकुलेट करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा यही मिलता है। ठीक है, तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि क्या पार्टनरशिप डीड है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उतना आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर अप्लाई हो जाएगा बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अकॉर्डिंगली हमें इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम पे करना है। ठीक है, और जो पर एनम है इसका मतलब क्या होता है कि जितने मंथ इस अकाउंटिंग ईयर में फर्म ने पार्टनर का लोन यूज किया है उतने मंथ का ही फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है।
ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो एंट्रीज होती है इंटरेस्ट ऑन लोन की, वो होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, इसको पार्टनर्स लोन में ही ट्रांसफर कर देते हैं बेटा, ठीक है। और अगर रेंट है तो आप बोलोगे बेटा पार्टनर्स, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, अगर हमने पे किया है तो, पे नहीं किया तो बेटा टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे ये दो एंट्री होती है बेटा इन दोनों चीजों के लिए, किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और पार्टनर रेंट। और अल्टीमेटली हम इनको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं और एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और टू रेंट अकाउंट, ठीक है। ये सब वैसे ही राइट ऑफ करते हैं जैसे हम लोग 11th में करते थे। तो ये सारी चीज क्या थी बेटा, ये सारी चीजें थी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में। अब बात करेंगे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। देखिए पहले हमने पढ़ लिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब था कि वो कंपलसरी खर्चे थे, फर्म को पे करने ही पड़ेंगे चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर ना। तो यहां पर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, डिफरेंट डिफरेंट हेड्स, ठीक है बेटा। मतलब जब फर्म ने अपने सारे खर्चे माइनस कर दिए, उसके बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट फर्म पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा ये जो डिफरेंट डिफरेंट हेड्स हैं कि उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पार्टनर्स को दिया, कितना हिस्सा फर्म ने पार्टनर्स को सैलरी के रूप में दिया, कितना हिस्सा किसी पार्टनर को कमीशन के रूप में दिया, कितना हिस्सा फर्म ने रिजर्व के रूप में अपने पास बचा के रख लिया, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो कैसे फर्म ने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो आपका नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, उस नेट प्रॉफिट को फर्म डायरेक्ट प्रॉफिट में ट्रांसफर नहीं करती है। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के लिए कुछ प्रोविजन है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है, या फिर रिजर्व को लेके, तो बेटा उस प्रॉफिट को डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में बांट दिया जाता है और इस प्रॉफिट को बांटने को ही कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तब होता है जब आप फर्म सारे खर्चे घटा लेती है, यानी सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद अगर फर्म के पास प्रॉफिट बचता है तो फिर होता है बेटा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये था बेटा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के। बेटा अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए अब तक जितना हम लोगों ने किया आई थिंक आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है क्या होता है और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। बट फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो ये डिफरेंस समझने के बाद डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, पहले किसका ट्रीटमेंट करना है और उसके बाद किसका ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहला जो इसमें बेसिक जो डिफरेंस है दैट इज बेटा नेचर। नेचर में समझिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज एन एक्सपेंसिव फॉर द फर्म और इसको हम रेवेन्यू में से माइनस करते हैं टू एसर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है। और जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है
इट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, सारे चार्ज घटाने के बाद रेवेन्यू में यानी सेल्स में से जो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है उसको हम कैसे बांटेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी उस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिया जाएगा, कितना हिस्सा सैलरी के रूप में दिया जाएगा, कितना कमीशन के रूप में दिया जाएगा, कितना रिजर्व के रूप में रखा जाएगा और कितना पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा, वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसलिए एप्रोप्रिएशन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। फिर बात करते हैं बेटा रिकॉर्डिंग, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखाते हैं, उसकी डेबिट साइड में ही दिखाते हैं, नॉर्मल खर्चे की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, जहां तक बात करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, तो इसके लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं केवल पार्टनरशिप में, रिमेंबर दिस थिंग, केवल पार्टनरशिप में, जिसका नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम यही दिखाते हैं कि फर्म अपने नेट प्रॉफिट को कैसे कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो खर्चे जो फर्म पार्टनर्स को देती है एज एन एप्रोप्रिएशन, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आता है। तीसरा है बेटा प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। देखिए जो चार्ज है बेटा वो हमेशा एप्रोप्रिएशन से पहले होता है। ठीक है, यानी पहले पार्टनर को इंटरेस्ट लोन देगी फर्म, पहले पार्टनर्स का कोई रेंट है तो वो देगी, किसी मैनेजर की कमीशन है तो वो देगी, और ये सब घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा फिर उसको हम एप्रोप्रिएट करते हैं इनटू डिफरेंट डिफरेंट हेड्स, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू डिफरेंट डिफरेंट हेड्स। यानी जो चार्ज है वो आपका एप्रोप्रिएशन से पहले आता है, और जो एप्रोप्रिएशन है वो हमेशा चार्ज घटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसके बाद बनता है। क्लियर है, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। फिर आता है बेटा एग्जांपल्स। देखिए चार्ज में जो एग्जांपल है वो होता है बेटा पार्टनर्स रिलेटेड की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर्स, ये सब चार्ज है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह देने से पहले इन सबको आपको प्रॉफिट में से घटाना पड़ेगा अगर आपने इनका ट्रीटमेंट नहीं किया है। और जो एप्रोप्रिएशन है तो एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है दोबारा रिपीट करा रहा हूं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर पार्टनर सैलरी, फिर पार्टनर्स कमीशन, फिर रिजर्व में ट्रांसफर करना, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू द पार्टनर्स। क्लियर है, तो ये होता है बेटा एप्रोप्रिएशन। तो यहां पे मैंने आपको डिफरेंस बता दिया बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बीच में। आई होप आपको ये आज वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आपको बताना है कि कौन से वाला टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इससे आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कि वो क्या होता है, और वहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके भी देखेंगे जिसमें आपका जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी होगा और उसके बाद उसी के बाद बनेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपको बताना है कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, ठीक है, अगर उसका रेट नहीं दे रखा है पार्टनरशिप डीड में, उसका प्रोविजन नहीं है, तो हमें कितना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन देना है, अगर देना है तो, या फिर नहीं देना है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर।